हेलो स्टूडेंट, हम लोग हमें थर्ड सेम मैथमेटिक्स के अंदर हमारा पेट्रोलियम ब्रांच के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट फर्स्ट और टॉपिक चल रहा था हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक फंक्शंस, मीनस मेथड्स। अब हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कन्फर्मल मैपिंग। कन्फर्मल मैपिंग क्या होता है इसके बारे में और इसके कुछ एलिमेंट्री पढ़ेंगे, ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे कुछ। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कन्फर्मल मैपिंग। कन्फर्मल मैपिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि मैपिंग क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम? मैपिंग। तो मैपिंग अगर सिंपल डेफिनेशंस बोले हम, मैं अगर आपको एक सिंपल ट्रिक से बताऊं कि हमें किस एक फंक्शन के थ्रू दूसरे सेट में मैप करना, जो हमारा एक फंक्शन गिवन होगा वो हमारा मैप होगा। मतलब जैसे ये कोई सेट है और ये दूसरा सेट है, मान के चलते हैं इसमें कोई हमें कोई वैल्यू दे रखी है, इसमें कोई वैल्यू दे रखी है, मतलब इसमें कोई वैल्यू दे रखी है, इसकी हमें इसमें मैपिंग करनी है, इसमें हमें क्या करना है, इसका मैप करना है। तो हम जिस फंक्शन के थ्रू इसका मैप करेंगे, जो फंक्शन होगा वो हमारा मैप कहलाता है। जिस फंक्शन के थ्रू हम इसके अंदर मैपिंग करेंगे वही मैपिंग कहलाती है। मैपिंग का मतलब डायरेक्शन बोल सकते हैं हम लोग, कि ये इसको इस तरह से डायरेक्शन दे रही है इस मैपिंग के थ्रू, ये दूसरी मैपिंग बोलेगा ना, अगर यहाँ वन है, यहाँ पर हमें सपोज वन है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता ना कि वन इस मैप के थ्रू इस डायरेक्शन में क्या वन को जाना है, मतलब इस वन को इस मैप के थ्रू किस में जाना है, इस वन, इस मैपिंग वाले वन में जाना है, तो हम इसको बोल सकते हैं मैपिंग। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मैपिंग कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैपिंग का मीन समझाती हूँ। ये नॉर्मली हमने मैपिंग समझी क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम समझते हैं कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, तो ये क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड प्लान में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिक रूप में। ये अपने आप में क्या होगा, एक्स एक्सिस रियल पार्ट और ये अपने आप में वाई एक्सिस, मतलब जो जेड प्लेन है वो क्या होगा, एक्स और वाई पे इसके अंदर दो डायमेंशनल होंगे, एक्स और वाई। ओके, अब हमें पता है एफ जेड इज इक्वल टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू या डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई, आयोटा वी, सॉरी यू प्लस आयोटा वी। अब हम देखते हैं कि डब्ल्यू, यू और वी भी अपने आप में किसके, एक्स और वाई के फंक्शन है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे देखो ये हमारे पास Z और ये हमारे पास W प्लेन आ गया। अब अगर हमें इसके अंदर मैपिंग समझना, मतलब हम इसके अंदर ऐसे समझ के चले कि हमें Z प्लेन से W प्लेन में मैपिंग करनी है, किस प्लेन से, Z प्लेन से W प्लेन में मैपिंग करनी है, तो हम इसको कैसे मैप करेंगे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मुझे एग्जांपल के थ्रू मुझे दे रखा है, सपोज Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सॉरी Z इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा, Z इज इक्वल टू हमें दे रखा है वन प्लस टू आयोटा एंड हमें एफ जेड इज इक्वल टू, मतलब जिस मैप के थ्रू करना है हमें दे रखा है वो जेड स्क्वायर। सपोज में आया, देखो क्या किया मैंने, हमें जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में मैपिंग करनी है सपोज ये, तो हमने क्या कर दिया, जेड इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा हमें ये गिवन दे रखा है, हमें ये ये कुछ गिवन दे रखा है, जिस मैप के थ्रू करना है फिर उससे हमारे पास दूसरे सेट की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसके थ्रू कर रहे हैं, किसके थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू हम करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लिख देंगे W या एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, हमारे पास जेड की वैल्यू है वन प्लस टू आयोटा का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस टू प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, जो खोलेंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो ये हो जाएगा फोर प्लस टू आयोटा, सॉरी फोर प्लस फोर आयोटा होगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे टू ए भी करेंगे तो यहाँ फोर हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। तो हमें पता चल गया कि जो अगर हमने एक कोई भी पॉइंट लिया है, हमको पता चल गया जेड बराबर हमने वन प्लस टू आयोटा लिया है, तो ये इस फंक्शन के थ्रू डब्ल्यू प्लेन में इसको कहाँ जाना है, माइनस थ्री और प्लस फोर आयोटा पे, मतलब इसकी डायरेक्शन, इसने इसको डायरेक्शन दे दी कि इसको आगे मैप को क्या जाना है, मतलब हम जेड की वैल्यू को डब्ल्यू की वैल्यू से किस मैप के थ्रू जाएंगे वो ही मैपिंग होती है। अब हम देखते हैं कि इसको हमने अगर एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो सेट के रूप में हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जेड के बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअली में एक ही पॉइंट लेके चल रहे हैं, कौन सा, वन और टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डैश डैश बहुत सारे पॉइंट होंगे, और ये किस मैप के थ्रू जा रहा है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर के थ्रू, जेड स्क्वायर के थ्रू जब इसकी हम मैपिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आता है माइनस थ्री और फोर, तो ये ही हमारी मैपिंग होती है। मतलब हमारा मैपिंग क्या होता है कि इस
किसी भी सेट को जब हम जेड की वैल्यू को जब डब्ल्यू प्लेन में हमें किस फंक्शन के थ्रू मैप कर रहे हैं वही हमारी मैपिंग होती है। मतलब इसको ये डायरेक्शन टाइप से दे रहा है ना कि इसको वन और टू का हम यहाँ पे जब वैल्यू लिखते हैं तो इसकी डायरेक्शन में इसको थ्री और फोर पे, माइनस थ्री और फोर पे जाना है, तो ये हमारी नॉर्मल मैपिंग होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो रियल एनालिसिस होता है उसके अंदर हमारे पास टू डायमेंशनल होता है। रियल एनालिसिस में क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, जब इसकी हम मैपिंग करते हैं तो हमारे पास क्या दो डायमेंशनल है। हम इसको अगर दो डायमेंशनल को हम ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब इसकी मैपिंग करेंगे दो डायमेंशनल बनेंगे तो इसको हम ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जब हम जेड प्लान का डब्लू प्लान में मैपिंग करते हैं, अगर हम इसको ग्राफिक में रिप्रेजेंट करें, किसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जेड प्लान है और ये डब्लू प्लान है। जेड प्लान अपने आप में भी क्या है, एक्स और वाई है, और हम लोग जब एफ जेड में देखते हैं डब्लू प्लेन में, हम एफ जेड में देखते हैं तो यू और वी, मतलब ये अपने आप में भी क्या है, एक्स और वाई के फंक्शन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फोर डायमेंशनल तो हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं जेड प्लान और डब्लू प्लान अलग अलग बनाते हैं और उसको हम क्या करते हैं ऐसे बनाते हैं, ये डब्लू प्लेन, यहाँ पे यू यहाँ पे वी। तो हमको क्या कर सकते हैं, इस जेड प्लान से हम डब्लू प्लेन में मैपिंग कर सकते हैं, किससे, क्योंकि यहाँ पे फोर डी डायमेंशनल है, इस कारण से हम ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसका अलग से ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोग जब जेड प्लान में हमारे पास देखो, हम इस जेड प्लान और डब्लू प्लान इसे अलग बनाते हैं, तो हमें ये मैपिंग चीज समझ में आ गई कंसेप्ट। अब हमारा जो जेड प्लान है इसके अंदर हमारे पास पॉइंट क्या है, वन और टू, और इसके पास हमारे पास पॉइंट क्या है, माइनस थ्री और फोर। तो हम लोग इसकी मैपिंग कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसकी क्या अगर प्लेन में भी मैपिंग करें तो इसको अलग अलग प्लेन बना के हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं, सेट के रूप में हम इसको ऐसे मैपिंग कर सकते हैं और हम लोग इसको इस टाइप से मैप। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है मैपिंग का मीन्स क्या होता है, मतलब हमारा डायरेक्शन समझ के चलो कि ये डायरेक्शन दे रहा है इसको, जिस फंक्शन के थ्रू मैपिंग हो रही है वो फंक्शन उसको उस डायरेक्शन में देगा, कि मतलब हम लोग यहाँ क्या करते हैं इसकी वैल्यू इसके फंक्शन के अंदर पुट करें तो यही इसको डायरेक्शन दे रहा है, यही मैप है, तो यही फंक्शन क्या होता है मैप एक्चुअली में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैपिंग कंसेप्ट। अब हम इसके अंदर हमें पढ़ना है कन्फर्मल मैपिंग क्या होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ, मैं यही एग्जांपल लेके कन्फर्मल मैपिंग समझाऊंगी, तो हमारा कन्फर्मल मैपिंग क्या होता है वो चीज़ समझते हैं। कन्फर्मल मैपिंग में क्या होता है, हमें क्या है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी वन प्लस टू आयोटा और हमारे पास डब्लू की वैल्यू क्या है माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। अब हम इसको ग्राफिक रूप में लिखते हैं, जब भी ग्राफिक रूप में ये वन टू या वन टू थ्री फोर, अगर इसको हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो इसे वन और टू लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, तो वन और टू, ये वन और टू, ठीक। इधर हम लोग लिखेंगे वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर या माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री, ये हमारा एक ग्राफ, ओके। अब हमने नॉर्मली हमारा जो कि मैपिंग था हमने ऐसे समझ लिया एग्जांपल से, अब हम कन्फर्मल मैपिंग समझते हैं। अब हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट लिया था, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं उसको हम लोग, तो यहाँ पे अगर बहुत सारे पॉइंट्स ले हम लोग और इससे एक कर्व बनेगा और यहाँ जब उसकी मैपिंग करके यहाँ से एक और दूसरा कर्व बनेगा, मतलब हमने क्या कर दिया जेड में हमने अभी एक पॉइंट लिया, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट लेके जब हमने एक कर्व बनाया वापस उसकी मैपिंग की उस फंक्शन के थ्रू, तो डब्लू प्लेन में वापस ही हमें कर्व मिलेगा नीचे कि मैपिंग जहां हम जेड की वैल्यू उसके अंदर डालेंगे तो हमें मैपिंग वापस मिलेगी, ठीक है। तो हमने ये कर्व बना, हमने क्या किया अदर और पॉइंट्स लिए उससे भी हमने एक और कर्व बनाया, कुछ चीज़ समझनी है, और इससे वापस यहाँ पे मैपिंग की तो एक कर्व बना, हमने क्या किया है यहाँ से पॉइंट लेके एक और कर्व बनाया और यहाँ से भी पॉइंट लेके हमने एक और कर्व बनाया, ठीक है। अब और यहाँ पे भी हमने इसकी मैपिंग की तो एक कर्व बना, अब इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, दोनों का जेड प्लेन और डब्लू प्लेन, इसको मैंने दे दिया सी वन, इसको मैंने सी टू, इसको पी वन पी टू। अब हमने यहाँ पे कुछ भी एफ जेड इजिकल टू जेड स्क्वायर जरूर नहीं है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, जरूर नहीं आपका कर्व सीधा भी जा सकता है या मैपिंग करने पर कर्व यूं ही आएगा, यहाँ पे आपका कर्व रेक्टेंगल साइड में बन सकता है, यहाँ पे भी आपका कर्व कुछ भी आ सकता है, ये लाइन सीधी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी है, ये एग्जाम्पल ने मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, ओके। अगर कन्फॉर्मल मैपिंग में क्या होता है, इनके बीच का एंगल सेम हो, मतलब ये थीटा और थीटा सेम हो और इनकी डायरेक्शन सेम हो, तो वो क्या होती है, जो मैपिंग होती है वो कन्फॉर्मल मैपिंग होती है। कैसे, अब हम देखते हैं इनके बीच का एंगल क्या है, सेम थीटा,
इनकी डायरेक्शन रख दिए, C1 को C2 में जाने के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा और P1 को P2 में जाने के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, इनकी डायरेक्शन और एंगल सेम हो गया। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है तो कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है। सारे कर्व कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होते हैं, जिसके अंदर एंगल थीटा सेम हो और डायरेक्शन सेम हो वो ही कन्फॉर्मल मैपिंग होगी। ओके, तो ये हमारे कन्फॉर्मल एंगल का कंसेप्ट ही है। एक बार मैं वापस आपको अच्छा समझाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे कुछ भी डायग्राम बन सकता है, जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें बहुत सारी जेड की वैल्यू दे रखी है, उसके हमने थ्रू एक कर्व ले लेते हैं C1 और दूसरा हम अदर और जेड की वैल्यू के उसे कर्व लेते हैं C2। जब इसकी मैपिंग करते हैं तो हमारे पास डब्लू प्लेन में P1 और P2 आते हैं। अगर इनकी डायरेक्शन और इनके बीच का मैग्नीट्यूड मतलब थीटा एंगल सेम होता है तो वो कन्फॉर्मल मैपिंग होती है। ओके, तो ये हमारे कन्फॉर्मल मैपिंग और मैपिंग के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ इसके सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे, इसके कुछ एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।